ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में लंबे समय से एक स्थान में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी के स्थानांतरण हो रहा है। फिर बात की जाए अगर प्रदेश के सीधी जिला के तो सीधी जिला में प्रशासनिक व्यवस्था में सवाल उठत नजर आ रहे हैं। काहे से कि सीधी जिला चाहे कलेक्टर कार्यालय हो, चाहे शिक्षा विभाग हो या महिला बाल विकास विभाग, यहाँ कई कैसन विभाग हैं जहाँ एक एक कर्मचारी लंबे समय से अंगद के पैर के नाई जमी हैं। राजनीतिक पहुँच कही या फिर आला अधिकारियों के मेहरबानी कही इनका स्थानांतरित करे के जहमत अधिकारी नहीं उठाए रहे हैं और ये वजह से विभागीय काम घलाए प्रभावित हो रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत सवचरण का प्रणाम कही थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बताई दी कि सीधी जिला में प्रशासनिक व्यवस्था में कहो न कहो बड़े बदलाव की जरूरत पड़ चुकी है। काहे से कि लंबे समय से सीधी जिला में ऐसा कई विभाग आ जहाँ एक अधिकारी कर्मचारी जमे हम स्थानांतरण नीति पर बता रही कि हाँ सवाल उठत नजर आ रहे हैं। कई एक विभागन की कुर्सी में बता रही कि ऐसा नहीं जहां लंबे समय से एक अधिकारी और कर्मचारी जम के बैठे हम अधिकारी और कर्मचारी के एक ही जगह पर पदस्थ रहे के कारण विभागीय काम प्रभावित हो रहे हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि ऐसा कई एक अधिकारी और कर्मचारी ऐसा है जिनका पिछले 6 साल से एक ही कुर्सी में बता रही कि जमे हैं। शासन के योजना के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही साफ तौर से देखी जा सकती है। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट और बाकी विभागन सहित लगभग तमाम कार्यालय में पदस्थ शासकीय कर्मचारी और अधिकारी कई सालन से अंगद के पैर किनाई एक ही कार्यालय में जमे हैं। ब्लॉक मुख्यालय के शासकीय कार्यालय में कर्मचारी से लेके ए ग्रेड के अधिकारी तक सालन से एक ही कुर्सी में पदस्थ था। जोने में कई लेखापाल तक एक ही जगह में अपन पूरी नौकरी तक के समय काट रहे हैं। यह स्थिति बताई गई कि विकास खंड स्तर से लेके जिला मुख्यालय तक वहाँ बनी है। सीधी में हालात यहाँ के कई सालन से एक कुर्सी में जमे अधिकारी और कर्मचारी शासन के नियमन का ठेंगा दिखाए के आपन उल्लू सीधा कह रहे हैं। देखने वाली बात यह हुई कि बार शासन के तबादला नीति के नियम के दायरे में अधिकारी और कर्मचारी आ पावत है या फिर से लेन देन में और पहुंच के रास्ता अख्तियार गई के अपन कुर्सी बचावे में अधिकारी कर्मचारी कामयाब हो था। विभाग में कर्मचारी से लेके अधिकारी तक पिछले कई साल से पदस्थ हो के अपने राजनीतिक पहुंच के परिचय दे रहे हैं जौन के अपन राजनीतिक पकड़ के चलते कई सालन से पदस्थ हो के जम के चांदी काटल्ला है। जिला प्रशासन का ऐसा अधिकारी और कर्मचारी का सूचीबद्ध कह के हटाओ बेहद जरूरी है। अगर नियमन के बात की जाए तो शासन के नियम के मुताबिक कौनो शासकीय अधिकारी और कर्मचारी का 3 साल से एक स्थान पर पदस्थ नहीं की जा सके। 3 साल से अधिक के समय हो जाए के बावजूद सीधी में अमेर के लागल है कि राज्य सरकार अपने बनाई नीति के पालन जिला में नहीं कर पावल ला गया। सीधी जिला में ऐसा कार्यालय जहां 3 साल से कई अधिकारी कर्मचारी लंबे समय से पदस्थ था उमा कलेक्ट्रेट सहित शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन विभाग, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला पंचायत कार्यालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि उपज मंडी जैसन कई संवेदनशील विभाग ऐसा हाँ जहाँ कई कर्मचारी यहाँ या मेरे के यहाँ जिस शुरू से यहाँ पदस्थ था और आज तक इनकर पदस्थापना नहीं की जा चुकी, जबकि नियम के मुताबिक 3 साल से ज़्यादा कोनो अधिकारी या कर्मचारी एक एक कार्यालय में पदस्थ नहीं रह सका। बेहद जरूरी है कि इनका पदस्थापना की जाए। सजग रहिए और सतर्क रहिए, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004161 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौज तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग।